दोस्तों आपके पास जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो नॉर्मल आईडी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इससे फ़ायदे होने वाले हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने से आप अपने इंस्टाग्राम आईडी का रीच देख सकते हो, ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हो, आपके इंस्टाग्राम पे कितने ज़्यादा मतलब फॉलोअर आए और कितने वीडियो देखे और किसने लाइक किया किसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे। मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलमीत। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में और आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इंस्टाग्राम आईडी में जाना है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। ऐसे देख रहे हो, आपका एडिट प्रोफाइल करके आएगा, प्रोफेशनल होगा, फिर इनसाइड लिख के आएगा, ठीक है। ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, मैं यहाँ से कोई और अदर आईडी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद से मैं एक आईडी चूज कर लिया हूँ जो विदाउट प्रोफेशनल अकाउंट है। नहीं दोस्तों सॉरी, ये भी अकाउंट प्रोफेशनल ही है। मैं अदर कोई और चूज कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे ये है, मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करके अब मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद से दोस्तों आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद सबको स्वाइप करके नीचे जाना है, लिखा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद से आपको लिखा होगा गेट प्रोफेशनल टूल्स, इसको भी कंटिन्यू कर देना है। लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, इसको भी ऑन कंटिन्यू करके, रीच मोर पीपल, ये भी कंटिन्यू, गेट न्यू कंटेंट ऑप्शन, इसको भी कंटिन्यू कर देना है। अब आपको दोस्तों आएगा कैटेगरी चूज करने का, आप किससे रिलेटेड बनाते हो, तो इसमें मैं गेमिंग से रिलेटेड चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो को अपना प्रोफाइल कि आप किससे रिलेटेड बनाते हो, तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑन कर देता हूँ। अब आप क्रिएटर हो कि बिजनेस अकाउंट है आपका, जैसे आपका दुकान है शॉप है तो आप बिजनेस अकाउंट चूज कर सकते हो। अगर आप क्रिएटर हो, एक वीडियो बनाते हो, तो आप क्रिएटर चूज कर सकते हो। तो मैं क्रिएटर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप फॉलो करने के लिए दे रहा है, आप एक दो स्टेप फॉलो करोगे तो उसके बाद से आपका प्रोफेशनल अकाउंट ओके हो जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरह करना है आपको। यहाँ से आपको प्रोफाइल चूज करना है, ठीक है। प्रोफाइल में आपको जाना है, न्यू चूज करके इसमें कुछ भी प्रोफाइल लगा देना है आपको, ठीक है। मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसे डन करके अभी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, होने हो गया आपका, ठीक। उसके बाद से आपको बायो में लिखना है आप यूट्यूबर हो, गेमर, ठीक है, यूट्यूबर्स, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। होने के बाद से यहाँ से टिक मार दे रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप सेट अप योर प्रोफेशनल अकाउंट, अभी ओके हो गया। अभी हमको क्या करना है, गेट इनसाइड, अभी मुझे फॉलो करना है, इंस्पायर्ड मतलब फॉलो करना है इनको, तो फॉलो कर ले रहा हूँ मैं, हो गया, टिक कर ले रहा हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ग्रो योर ऑडियंस, मतलब अगर ऑडियंस को अभी बढ़ाना है तो आपको शेयर करना होगा, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए रोक देता हूँ। अब आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी पोस्ट कर लो, मैं इसी को पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख के फोटो, अभी ये भी पोस्ट हो गया, ठीक है। अब आपका चैनल प्रोफेशनल अकाउंट में, आपका इंस्टाग्राम आईडी प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप भी देख पा रहे होंगे कि एडिट प्रोफाइल प्रोफेशनल अकाउंट इनसाइड में आपका दिखा रहा है। अब इनसाइड में आने के बाद से आपको दोस्तों इसी में पूरा डिटेल आपको बताएगा, जैसे YT स्टूडियो होता है ना दोस्तों, वैसे ही ये भी है, आपको इसमें पूरा डिटेल, उसमें 24 घंटे में बता देता है हर एक वीडियो का डिटेल, इसमें 7 डेज के बाद आपको बताना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, अभी नहीं बताएगा, ठीक है। आप यहाँ से अकाउंट रिच देख सकते हो, कितने कॉन्टेंट इंट्रैक्शन हुए, ठीक है, ऑडियंस कितना आया और फॉलोवर, ये सब सारी चीज़ें, किस देश से आपको देखा जा रहा है, कौन कौन से कंट्री देख रहा है, तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, ये सारा डिटेल यहाँ पे बताएगा। दोस्तों अब आ जाता है मतलब इसके बेनिफिट। दोस्तों प्रोफेशनल अकाउंट होने का बेनिफिट यही है दोस्तों कि आपके पास
स्पॉन्सरशिप आएगा, अगर आपके पास फॉलोअर ज़्यादा हैं तो, और आपके व्यू ज़्यादा आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आएगा और आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप गेमिंग खेलते हो तो गेमिंग से रिलेटेड ही आपको स्पॉन्सरशिप आए, आपके पास कुछ भी आ सकता है, जैसे फ़ोन भी आ सकता है, फोटोशॉप, पैसे से रिलेटेड, मतलब किसी चीज़ को बैंक से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो आई होप अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।